जोहार, नमस्कार। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। 2004 के बाद जो भी हमारे साथी इस विभाग में आए हैं उन्हें ऊपर एनपीएस नई पेंशन नीति पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है एक बड़ा योजना है, उसको भी अलग से एक कॉर्पोरेट की तरह बांटने की कोशिश की जा रही है। मेल ब्रांच को अलग से बांटने जा रहा है, पहले जाया जाए। निजीकरण का हम लोग विरोध करते हैं और अब सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारी जो सरकार की नीतियां हैं, कर्मचारी है अपने संगठन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि देश का एक बड़ा बहुत बड़ी संपत्ति है डाक विभाग, जो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर जहाँ मजदूर काम करते हैं अलग अलग उद्योगों में, अलग अलग उपक्रमों में इसका विस्तार हुआ और विस्तार के बाद जो आपके सामना संगठन थे जिनसे भारतीय मजदूर संघ का विचार मिलता जुलता है या कहिए कि एक ही परिवार के सदस्य थे, आज शासन में वैसे लोग आए हुए हैं। और जब भारत में उस तरह के आपके सहमना लोगों का शासन है, वैसी स्थिति में आपके सचिव का प्रतिवेदन और आप यहाँ इकट्ठा होकर जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं उनका बहुत अधिक महत्व है। आप स्वीकार कर रहे हैं कि मजदूर क्षेत्र बदल रहा है। शुरू में जब भारत आजाद हुआ तो सभी सेवा के लिए सरकारों ने ही कदम बढ़ाया, जनता को जितनी सेवाएं चाहिए उनके लिए धीरे धीरे अलग विभाग स्थापित हुए, अलग अलग उपक्रम स्थापित हुए। 1990 तक ये सिलसिला चलता रहा था। बस 1991 में जब देश के सामने एक बड़ा संकट आ गया था, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उस समय विदेशी मुद्रा के भुगतान के लिए भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। जो उस समय के लोग हैं उनको अच्छी तरह याद होगा, जो उस समय बहुत सक्रिय नहीं थे सामाजिक क्षेत्र में उनको भी जानना चाहिए कि एक ऐसी स्थिति आई। तब विचार विमर्श किया भारत में जो उस समय की सरकारें थी कि हमको करना क्या चाहिए। जिस तरह से सरकारी सेवाओं का उपक्रमों के माध्यम से, विभागों के माध्यम से विस्तार हो रहा है, वह विस्तार चलता रहेगा, सरकार के ऊपर काफी बोझ पड़ेगा, तब सरकारें क्या करेंगी। तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उस समय से उदारीकरण आरंभ हुआ और उसी समय भारतीय मजदूर संघ के जो संस्थापक रहे हैं दत्तोपंत सेंगली जी, उन्होंने इन सबको देखते हुए स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना किया उन्होंने, क्योंकि उस समय जो सरकार थी वह उदारीकरण के नाम पर राष्ट्रीय महासंघ के द्वारा आह्वान किया गया है। इसमें जमशेदपुर से हमारे कम से कम 100 पदाधिकारी और सदस्य जाएंगे भाग लेने के लिए। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह है, मैं भारतीय डाक कर्मचारी संघ सिंहभूम मंडल का मंडल सचिव हूं। प्रदेश में मैं भारतीय मजदूर संघ का कार्य समिति सदस्य, प्रभारी रेलवे और जब भी कोई महापुरुष का डाक टिकट निर्माण होता है तो उसका लॉन्चिंग होता है दिल्ली में कि ये हम लोग के देश के महापुरुष है, चाहे महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, अनेकों महापुरुष का डाक टिकट निर्माण हुआ और उनका सिंबल हर डाक घर में पहुंच जाता था। अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट कार्ड में वह डाक टिकट बिक्री होता था। एक तरह का महापुरुष का वह सम्मान देने का भी काम डाक विभाग करता था। डाक विभाग का अनेकों काम है, चाहे पोस्ट आपका किसान विकास पत्र से लेकर फाइनेंस बैंकिंग से लेकर और सबसे बड़े चीज़ की कोरियर सर्विस जो स्पीच पोस्ट है वहाँ भी किया जाता है, कोर्ट का नोटिस से लेकर हर काम किया जाता है। और आज डाक में फाइनेंस सर्विस भी किया जा रहा है और दूसरी चीज़ की बैंक में जो विश्वास नहीं है FD करने का वह डाक में भी पैसा दिया जाता है, क्योंकि डाक में जो पैसा FD दिया जाता है, फिक्स डिपॉजिट दिया, उसका विश्वसनीयता बहुत अधिक है।
लेकिन आज डाक कर्मचारी अपनी मांग को लेकर सरकार से आंदोलन करने के लिए विवश हो गए हैं। वह मांग क्या क्या है आज इसके बारे में पूछते हैं विस्तार से। क्या मांग है जो केंद्र सरकार से आप लोग लड़ रहे हैं? जैसे हमारी लड़ाई है कि नई पेंशन नीति समाप्त करो और पुरानी पेंशन लागू करो। जैसे हमारे 2004 के बाद जो साथी नियुक्त हुए हैं वे नई पेंशन नीति के अंतर्गत आते हैं, तो जो पेंशन नीति था जो सरकार ने पहले से लागू करके रखी थी ये एक कल्याणकारी काज थी कि जब हम रिटायर करेंगे 30 साल 40 साल नौकरी करने के बाद तो हमारे जीविकोपार्जन का ये एक साधन होगा, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी है कि नियुक्ति नियमावली में सुधार हो। अभी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाकघर हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में काज करते हैं तो आजकल ऑनलाइन नियुक्ति की सुविधा हो गई है, ऑनलाइन नोटिफिकेशन करने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हो क्या रहा है कि आज मद्रास के लोग, महाराष्ट्र के लोग जो बच्चे बेरोजगार हैं वे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जब उनको यहाँ पर जब आते हैं ज्वाइन करने के लिए, योगदान करने के लिए, वहाँ 10 से 15 हज़ार जब उनकी वेतनमान होता है वे छोड़ के भाग जाते हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि पूर्व में जिस तरह नई नियुक्ति नियमावली थी कि वहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें स्थानीय स्तर पर बाहरी निकाला जाए और स्थानीय लेवल पर इसको नियुक्ति किया जाए। जैसे डाकिया पोस्टमैन की भी नियुक्ति अभी कंपनी को दे दी जाती है और वो कंपनी के द्वारा गलत तरीके से की जाती है, उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाता है जिसके कारण बहाली नहीं हो पाती है। 2014-15 में डाकिया पोस्टमैन की बहाली की नियुक्ति निकली थी, नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन आज तक डायरेक्ट कोटा पर बहाली नहीं हो पाई, वो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। तो हम लोग मांगते हैं, मांग करते हैं सरकार से कि जो भी नियुक्ति होने वाली है हर सर्किल स्तर पर इसकी नियुक्ति होनी चाहिए ताकि वहाँ के स्थानीय लोग उसका लाभ ले सकें और लोगों की नियुक्ति होगी। तीसरी है मांग हमारी है कि जितने डिपार्टमेंटल बिल्डिंग है, जो हमारा डाक विभाग का बिल्डिंग है, उसका समय पर उसका रख रखाव, उसकी मरम्मती का काम हो और जो हमारे कर्मचारी काज कर रहे हैं उनको मेडिकल सुविधा पर्याप्त रूप से प्राप्त हो, कैशलेस सुविधा हो सीजीएचएस के तहत, ताकि उस वो अपने परिवार के साथ ढंग से अपनी नौकरी के साथ साथ परिवार का भी देख रेख कर सकें। और हमारी मांगे ये भी हैं कि जो भी सिस्टम आज पूरे डाक विभाग को सीबीएस से लैस कर दिया गया है, सीबीएस है और सिस्टम जो है जो 5 वर्ष के बाद वे सिस्टम को चेंज करना है। और क्या है कि पुराने सिस्टम लागू हैं, पुराना सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है, कहीं पर कंप्यूटर नहीं है, कहीं पर यूपीएस नहीं है, बैटरी नहीं है, जिसके कारण हमें ग्राहक की सेवा करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसलिए हम मांग करते हैं, जोड़ दिया गया है कि हम उसमें कर्मचारियों का इंश्योरेंस है और आप सीबीएस के द्वारा हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इस तरह की नई नई जो नीति आ रही है उसके लिए हम काम करने के लिए हम सभी कर्मचारी तैयार हैं, लेकिन हमारी सारी सुविधा हमको विभाग से मिलनी चाहिए। सर, जो हिसाब से डाक में परिवर्तन कर रही है केंद्र सरकार, उस हिसाब से तो डाकघर का स्थिति खत्म हो जाएगा। देखिए, डाकघर की स्थिति खत्म नहीं होगी, डाकघर की मौजूदगी जो है वो हमेशा रहेगा, इसलिए कि डाक का नेटवर्क जो है शहर से लेकर के गांव तक है। बीच में जो समस्या जो आ रही है ये केवल प्राइवेट कंपनियों के कारण हो रहा है और प्राइवेट कंपनी जो आती है वो केवल शहरी क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करता है, कभी भी रूरल में कंपनी कोई नहीं गई।
इसलिए डाक विभाग रहेगा, उसकी उपस्थिति हमेशा रहेगी। और डाक विभाग में हम लोग जो मेन विरोध कर रहे हैं वो निजीकरण और निगमीकरण का विरोध है। चूँकि निजीकरण जो हो रहा है उसमें निगमीकरण में कंपनियां आ रही हैं, निजीकरण में छोटे छोटे ठेकेदारों को ला करके और उसके द्वारा कर्मचारियों को भेजा जाता है, उससे रोजगार तो लोगों को मिलता है लेकिन जो काम करने वाले हैं उनको सही मजदूरी नहीं मिलती है। आज हम लोगों का विरोध है कि सरकार जो घोषणा करती है, जो मजदूरी है, मिनिमम जो वेजेज है सरकार के द्वारा घोषित की गई कि 18,000 से कम किसी का मूल वेतन नहीं होगा, आज प्राइवेट जो लोग आ रहे हैं काम करने के लिए उनका आप सर्वे करके देखेंगे किसी को 18,000 नहीं मिलता है, सब लोगों को 10,000-12,000 के अंदर ही रहना है। तो जब सरकार ही अपने उद्योग में, चाहे रेल हो, चाहे डाकघर हो, इनकम टैक्स हो, चाहे कहीं भी, जब सरकार अपने यहाँ जब उस मजदूर को वेतन अपने द्वारा निर्धारित नहीं दे पाता है तो अन्य जगह पर क्या होता है इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हम लोगों का मेन विरोध ये निजीकरण और निगमीकरण को लेकर। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।